गाइस, माय नेम इज सायरा, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं टिकोनी की पुरानी वीडियो, 7 महीने पुरानी वीडियो। तो वीडियो का टाइटल है बाय दिस चाइल्डहुड थिंग्स गॉट डिसकंटिन्यूड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे किसी देर के मेरे साथ। बचपन में खेलने की ये चीज आपको आराम से सिगरेट की आदत डाल सकती थी और आपको इसके बारे में भनक तक नहीं थी। और ये कौन सा स्नैक है जो शायद आप रोज खाते होंगे, लेकिन ये असल में बैंड है। भाई वीडियो पे 10,000 लाइक्स का एम है, तो अब भी 3 गिनने तक लाइक कर दो भाई। 1, 2, 3, आपने ये कर दिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 15, बूस्ट बिस्किट्स। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, ये वाला स्लोगन तो आपको याद ही होगा। तो एक बार इस बूस्ट बिस्किट को देखो, इसे एनर्जी बिस्किट कहा जाता था और इसे सचिन तेंदुलकर से लेकर MS धोनी जैसे कई फेमस क्रिकेटर्स भी एडवर्टाइज करते थे, और इसीलिए लोगों को लगा कि ये काफी ज्यादा पॉपुलर होगा। लेकिन असलियत तो तभी पता चली जब प्रोडक्ट ऑन ग्राउंड आता है, क्योंकि ये लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया। पहले तो इसकी क्वांटिटी उतनी ज्यादा नहीं थी और दूसरा इसका टेस्ट भी उतना ज्यादा खास नहीं था, और मार्केट में ऑलरेडी बने कंपटीशन जैसे कि मारियो बिस्किट और गुड्डे और पार्ले जी की वजह से ये फ्लॉप हो गया। नंबर 14, कैडबरी पर्क। ये नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि पर्क तो अभी भी मिलती है, लेकिन ये दूसरी पर्क है। ओरिजिनल कैडबरी पर्क अर्ली 20s और 90s में मिलते थे और ये काफी पॉपुलर भी थी, लेकिन फिर पता चला किसी अननोन रीजन की वजह से इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अभी जो मिलती है उसका नाम पर्क या फिर पर्क ग्लूकोज है, जो कि टेस्ट में काफी अच्छी है, लेकिन वो ओरिजिनल पर्क जितनी अच्छी नहीं है, खासकर उसे जुड़ा हमारा नॉस्टैल्जिया भी। नंबर 13, हिप्पो चिप्स। यार ये चिप्स काफी ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ज्यादा टेस्टी भी, लेकिन एक बात थी कि ये नॉर्मल चिप्स से थोड़े महंगे हुआ करते थे, जिस वजह से इसे थोड़ा रॉयल फूड माना जाता था। इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी थी और इसका टेस्ट तो बहुत ज्यादा अच्छा था। इसके अंदर के चिप्स थोड़े अलग थे, क्योंकि वो नॉर्मल फ्राई किए गए चिप्स जैसे नहीं दिखते थे, बल्कि बेक टाइप के थे, और यही वजह है कि लोगों को ये पसंद बहुत था। लेकिन इसके सेल्स उतने भी ज्यादा हाई नहीं थी और इसी वजह से इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नंबर 12, गुरु चेला। ये एक ऐसे सुपारी या फिर कैंडी की तरह आता था और इसे आप इसे कई लोगों ने भी खाया होगा। इसके पैकेट की कमाल की बात ये थी कि इस पर एक बाबा बना हुआ था जिसका नाम था गुरु, लेकिन जब भी आप इस पैकेट को अपसाइड डाउन करते थे तो इस पर एक बच्चा बना हुआ आता था, यानी कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा था गुरु और चेला, और इसके साथ खेलने में काफी मजा आता था। कई लोग तो बस इल्यूजन को देखने के लिए इसे खरीदते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ इसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई और अब ये रेयरली कहीं पर मिलता है। हाँ, लेकिन आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हो। नंबर 11, पेप्सी ब्लू। ओरिजिनल पेप्सी तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसका ब्लू वर्जन उतना खास नहीं चला। इसे पेप्सी के सक्सेस के बाद लॉन्च किया गया था और कुछ वक्त इसके डिफरेंट कलर में लोगों काफी ज्यादा अट्रैक्ट किए, लेकिन इसका टेस्ट उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। कई लोग कहते हैं कि ये दवाई जैसा टेस्ट करता था, और कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि नॉर्मल पेप्सी से ज्यादा ये अनहेल्दी है इसके कलर की वजह से। फिर क्या था, इसकी सेल्स डाउन होने लगी और ऐसे में फिर कंपनी को इस प्रोडक्ट को पूरी तरीके से मार्केट से बाहर खींचना पड़ा और इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन कुछ वक्त के लिए ये काफी हिट रहा था। 10, मेंटोस मार्बल्स। नॉर्मल वाले मेंटोस तो आज भी मिलते हैं, तभी भी मिलता था, और मेंटोस सच में बहुत ज्यादा अच्छा चॉकलेट हुआ करती थी। आज तो मेंटोस उतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन एक टाइम में ये बहुत पॉपुलर थे, जिस वजह से उन्होंने मेंटोस मार्बल करके भी एक स्पेशल वर्जन निकाला था जो कि बिल्कुल मेंटोस की तरह सेम था, लेकिन वो दिखने में अलग थे और उनका जो टेस्ट था वो थोड़ा सा क्रंची था, और ये मार्बल की तरह शाइन करते थे। ये बच्चों को बहुत अच्छे लगते थे, इतने टाइम तक कि एक टाइम पर नॉर्मल मेंटोस से भी ज्यादा बिका था, लेकिन इसके कंपटीशन होने की वजह से ओवर द टाइम इसके पॉपुलैरिटी खत्म हो गई और इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नंबर 9, रोला कोला। ये बच्चों के बीच काफी पॉपुलर था, ये बस 2 रुपए का आता था और इसे खाने पर ऐसा लगता था जैसे कि हमने कोको कोला पिया, तभी बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीने दी जाती थी, इसी वजह से वो इस कैंडी को खाकर ऐसा महसूस कर लेते थे कि उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक पी ली है। बट पॉपुलैरिटी के बाद इसे बंद होना पड़ा, क्योंकि एक टाइम के बाद सब चीजों की पॉपुलैरिटी चली जाती है, बिल्कुल जैसे ही इसकी चली गई थी, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। नंबर 8, फ्लेवर्ड पोलो। नॉर्मल वाली पोलो तो हम सबको पता है, इसे तो हम सबने खाई है और ये आज भी मिलती है, लेकिन ये देखो फ्लेवर्ड पोलो। हाँ भाई, इसमें फ्लेवर मिले हुए हैं। पोलो के सक्सेस के बाद इस कंपनी ने फ्लेवर्ड पोलो बेचने की सोची, उन्हें लगा कि ये भी पॉपुलर हो जाएगी। उन्होंने कई अलग अलग तरीके के फ्लेवर इसमें ऐड करके बेचे जो कि टेस्ट में बहुत अच्छे थे, लेकिन
लेकिन फिर भी कुछ खास नहीं चले क्योंकि लोग अभी भी नॉर्मल पोलो का फ्लेवर ज्यादा प्रेफर करते हैं और इसी वजह से इसे भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नंबर 7 गोल्ड स्पॉट। ये पाली कंपनी का काफी पॉपुलर ड्रिंक था जिसमें पहले तो रिफ्रेशिंग फ्लेवर यानी कि कोल्ड ड्रिंक में जो सोडा वाला फैक्टर होता था वो नहीं था। ये नॉर्मल मिरिंडा जैसी ड्रिंक थी विदाउट सोडा, लेकिन फिर 1993 में इसमें जिंक वाला फैक्टर लाया गया यानी कि सोडा डाला गया और इसकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई जो बिल्कुल आज के मिरिंडा जैसा टेस्ट करता था। लेकिन फिर एक टाइम के बाद कोको कोला ने इस कंपनी को खरीद लिया और इसे खरीदने के बाद इसे बेचना बंद कर दिया। कोको कोला तो इसी तरीके से ही पूरे बेवरेज मार्केट को कब्जा किया था, लिम्का, थम्स अप और ऐसी कई सारी बेवरेज कंपनीज को ये खरीद लिया था। नंबर 6 पेप्सी गोल्ड। इस चीज को देखकर सब लोगों को कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन जिनको भी आएगा उनके लिए ये बहुत सॉलिड मेमोरी होगी क्योंकि इसे कई इमोशंस जुड़े हुए हैं। सबसे पहली बात ये पेप्सी गोल्ड की थी, इसकी बॉटल से लेकर अंदर का लिक्विड भी, और ये स्पेशल एडिशन थी वर्ल्ड कप के लिए और इसी वजह से ये बहुत स्पेशल इमोशन बनाता है क्योंकि आपको भी पता होगा इंडिया में क्रिकेट को कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती है और वर्ल्ड कप के जाने के बाद ऑब्वियसली लिमिटेड ऑफर था तो इसे भी बंद कर दिया गया। नंबर 5 फैंटम सिगरेट्स। बड़े लोगों को सिगरेट पीता देख हमें लगता था कि ये कितने ज्यादा कूल है जिस वजह से हम सिगरेट पीना चाहते थे, पर ऑब्वियसली हमें कौन ही पीने देगा इसलिए हम ये चॉकलेट खाकर खुश हो जाते थे। इसमें चॉकलेट कैंडी होती थी जो दिखने में तो बिल्कुल सिगरेट की तरह होती थी और आप इसे चूस कर खा सकते थे। इसका जो पैकेट था वो भी बिल्कुल किसी सिगरेट के पैकेट की तरह ही था, लेकिन टाइम के साथ साथ इसको लेकर काफी ज्यादा कंप्लेंट और कंसर्न भी थी कि ये बच्चों को गलत आदत लगवा सकता है। अभी तो ये शुरू कर देंगे लेकिन बड़े होकर ये सिगरेट भी पी सकते हैं, इसलिए ये भी बैन हो गया। नंबर 4 कैडबरी डेयरी मिल्क वूवी। ये स्पेशल कैडबरी थी जिसमें डिस्नी के स्टिकर्स मिलते थे और इसी वजह से ये बच्चों को बहुत अच्छे लगते थे। वैसे तो उसके टेस्ट में काफी ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन फिर भी इसके पैकेट और बस इल्यूजन की वजह से ये थोड़ा अलग टेस्ट लगता था, पर ये लिमिटेड एडिशन था तो समय के साथ साथ ये ऐसे और भी कई छोटे मोटे लिमिटेड एडिशन चॉकलेट थे जो कि डेयरी मिल्क लाता रहता था जैसे कैडबरी चॉकी, कैडबरी मिल्क एक्सेट्रा, तो ये भी समय के साथ साथ बंद कर दिया गया। नंबर 3 पिक बबूल। आज की बूमल तो हम सबको याद है, ये काफी टाइम से हम खाते आ रहे हैं और ये च्युइंगम बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन इसके साथ और एक च्युइंगम थी जो कि मार्केट पे राज करती थी, उसका नाम था पिक बबूल। वैसे इसके टेस्ट, टेक्सचर और कलर की बात करें तो ये सेम टू सेम बूमर जैसे ही थी और इसीलिए लोग हमेशा इसके और बूमर के बीच में एक चूज करते थे, लेकिन समय के साथ साथ ये बंद हो गया क्योंकि इसके हाइजीन से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम आती थी, प्लस ये पैकेट में बूमर से ज्यादा चिपकता था तो बच्चे भी इससे ज्यादा बूमर खाना पसंद करते थे, यही वजह थी कि इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नंबर 2 जंपिन। आज जो फ्रूटी और माजा ना, इसकी जगह हमारे पास था जंपिन। ये बिल्कुल आज के जैसे फ्रूटी माजा की तरह सेम मैंगो टेट्रा पैकेट था और इसकी कंपनी थी गोदरेज। हाँ, वही आपके घर में जो फ्रिज और दरवाजे के लॉक है ना, वही इस प्रोडक्ट को बनाती थी। ये इनके वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोडक्ट में से एक है, लेकिन धीरे धीरे मार्केट में सेगमेंट्स आने के बाद इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई। पहले तो ये बच्चों के बीच काफी पॉपुलर था, पर ये यूजुअली नॉर्थ वेस्ट साइड ही बिकता था। नंबर 1 डिपस्टिक्स। ये एक ऐसा बिस्किट और कुकी की तरह स्नैक था जिसकी कमाल की बात थी कि इसमें आपको अलग से सेक्शन मिलता था क्रीम का, जहां पर आप अपने बिस्किट को डिप करके खा सकते थे। ये नॉर्मल बिस्किट्स की तरह था, बस थोड़ा ज्यादा महंगा आता था। ये काफी पॉपुलर था, लेकिन जब क्रिश मूवी आई तो इन्होंने अपने बिस्किट के साथ क्रिश का मास्क भी बेचना शुरू कर दिया था, जिस वजह से बच्चों के बीच बहुत पॉपुलर हो गया। हर कोई इसे मजाक के लिए खरीदता था, लेकिन धीरे धीरे इसका भी फेम चला गया और ये प्रोडक्ट भी। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर ये साबुन आपकी लाइफ सेट कर सकता है। लेकिन वो कैसे? क्यों बस कचरे में फेंकने के लिए लोग इस करोड़ों की चीज को खरीदते हैं? कुछ कुछ चीजें हैं जो भी अब भी मिलती हैं, डिसकंटिन्यूड नहीं हुई हैं, जैसे कि गुरु चेला एंड एक और चीज थी क्या थी, वो बिस्किट डिप करने वाला, तो वो अब दूसरी कंपनीज मतलब बनाती हैं, पर वो जो कंपनी थी वो डिसकंटिन्यूड हो गई। मतलब उस जैसी चीजें बहुत आती हैं। तो या गाइस, आप लोग अपने फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।